देहरादून के परेड ग्राउंड में दून अंतर्राष्ट्रीय पशु एवं कृषि मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया। मेले में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पशुपालकों ने अपने पशुओं की प्रदर्शनी लगाई। ये मेला 12, 13 और 14 अक्टूबर तक चलेगा। मेले में विभिन्न नस्लों के प्रदर्शन किया गया जो 45 लीटर तक दूध देती है, और पशुओं की तरह तरह की दवाइयों की भी प्रदर्शनी लगाई गई। मेले में रुस्तम नाम का भैंस लोगों का आकर्षण का केंद्र बना रहा, जिसकी कीमत 1 करोड़ है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि जो पशु प्रदर्शनी है उसमें पशु आहार और मेडिकल से संबंधित नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड किसानों को देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर जितने भी पशुपालक हैं उनको सब कुछ प्रत्यक्ष देखने को मिल रहा है। मैं समझता हूँ कि यहाँ के जो हमारे फार्मर हैं उनको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और जो भी ज्ञान है वो आपस में ट्रांसफर भी होगा, एक दूसरे को ज्ञान का भी ट्रांसफर होगा।